कम्बे के आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षक की सीधी भर्ती का जो नया रायपुर द्वारा 12/8/2023 को इसका जारी कर दिया गया था, जिनमें शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 लिखित परीक्षा के परिणाम के द्वारा जो मतलब उसका परिणाम आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके साथ ही इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग की विस्तृत प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। कृपया अवलोकन कर ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लें। शिक्षक पद की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है, जिसके नीचे अंकित विवरण अनुसार अभ्यर्थियों को प्रथम चरण के दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित करने हैं तो कट ऑफ करने के निर्धारित किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रथम चरण का जो काउंसलिंग होता है उसमें टॉप रैंक वाले को बुलाया जाता है, जिसमें अनारक्षित को 801 रैंक तक के बुलाया गया है, महिला में 950 रैंक तक को बुलाया गया है। इसी के साथ ही अनुसूचित जाति के लिए जो है वो 4000 रैंक तक बुलाए गए हैं, महिला के लिए 4300 तक बुलाए गए हैं। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के लिए 35000 रैंक तक बुलाए गए हैं और महिला के लिए 35911 रैंक तक भी बुलाए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग अगर हम बात करें तो 1599 जो है रैंक तक के जो है मुक्त यानी कि पुरुष वर्ग में बुलाया गया है, महिला में 1726 वर्ग तक के लोगों को बुलाया गया है। तो इस प्रकार से आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज हो सकता है। आप सभी लोग वेबसाइट पर जाकर अपने रैंक अनुसार से अपना भरें और इस प्रकार की आपकी जानकारी के साथ ही कटअप का भी ये जो फर्स्ट राउंड का कटअप है उसमें देखिए कटअप अनारक्षित वर्ग में पुरुष का 90.065 रैंक 801 है, महिला का 89 है, 950 है। अनुसूचित जाति का 78,400 रैंक है और 78 इसमें 4324 रैंक है। इसी के साथ ही अनुसूचित जनजाति के 53 कटअप गया है, तो अनुसूचित जनजाति का भी फर्स्ट रैंक में जिनका भी 53 नंबर आया हुआ है निश्चित रूप से उनका काफ़ी अच्छा हो सकता है। और सेकंड रैंक आते आते 35-40 नंबर तक के भी अनुसूचित जनजाति का काफ़ी अधिक पोस्ट है, तो उन लोग का भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग का जो है अभी रैंक जो है 85 गया है, 1599 और 1726। इस प्रकार की जानकारी और भी हम लाते रहेंगे। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जय हिंद।